इस वेले की वड्डी खबर लोक सभा चोणां नाल जुड़ी हुई है। जी हाँ, देश भर में जनरल चोणां लई तरीकां दा ऐलान कर दिता गया। भारतीय चोण कमीशन ने हुण तो चंद मिनट पहला एक प्रैस कॉन्फ्रेंस करके इन्हां तरीकां दा ऐलान किया है। देश भर में 7 गेड़ां विच चोणां करवाईआं जाणगीआं, जिसते कि 4 जून नूं नतीजे ऐलाने जाणगे। दसीए कि देश भर में कुल 96.8 करोड़ लोग वोटां विच हिस्सा लैणगे। जेकर गल पंजाब दी कीती जावे तां पंजाब विच 1 जून 2024 नूं वोटिंग करवाई जाएगी। पंजाब च आखिरी पड़ा यानी कि 7वें गेड़ की वोटिंग होगी, जिस तों बाद 4 जून नूं देश भर में चोणां दे नतीजे ऐलाने जाणगे। जी हाँ, एक बार फिर तो दस दईए कि लोक सभा इलैक्शन 2024 लई चोण कमीशन वल्लों तरीकां दा ऐलान कर दिता गया। देश भर में 7 गेड़ां विच चोणां करवाईआं जाणगीआं, जिन्हां दी शुरुआत 19 अप्रैल 2024 तों होवेगी अते 1 जून 2024 नूं आखिरी पड़ा की वोटिंग करवाई जाएगी। पंजाब विच 1 जून 2024 नूं वोटिंग का दिन तय किया गया, यानी कि पंजाब विच 1 जून 2024 नूं आखिरी गेड़ विच वोटिंग करवाई जाएगी, जबकि 4 जून नूं देश भर में चोणां दे नतीजे ऐलाने जाणगे। चोण कमीशन मुताबक इस बार चोणां विच 96.8 करोड़ वोटर हिस्सा लैणगे। शेड्यूल ऑफ द लोक सभा पोल फेज 1 विल डू इट इन 7 फेजेस एज वॉज डन लास्ट टाइम। 7 फेजेस। फेज 1 will start from 20th March notification, 5 days from now. And last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. इसमें phase 1 का schedule एक दिन से हमें दो बार करना पड़ रहा है, फिर बिहार के लिए वहाँ एक festival है तो notification की date same है, लेकिन बस last date of withdrawal हमें 30 मार्च की जगह 2 अप्रैल सिर्फ बिहार की फर्स्ट फेज के लिए करनी पड़ रही है, क्योंकि वहाँ त्यौहार हैं और 19 अप्रैल को यहाँ वोटिंग होगी और पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग होगी। सो फेज 1 दिस विल लुक लाइक दिस। ये मैप भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अभी ये जो येलो पोर्शन है ये ऐसा दिखाई देगा, तो इसमें जो फेज 1 का जो मैप है इसमें नॉर्थ ईस्ट नीचे तमिलनाडु, राजस्थान, सेंटर में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, और ऊपर में जम्मू कश्मीर की 1 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये येलो फर्स्ट फेज का आपके सामने में मैप है। सेकेंड फेज और फर्स्ट फेज में 21 स्टेट्स जाएंगी पोल में। सेकेंड फेज विल नोटिफिकेशन विल स्टार्ट ऑन 28th of March एंड डेट ऑफ पोल विल बी 26th of April। सिमिलरली हियर इन केस ऑफ J&K बिकॉज ऑफ दी सम हॉलीडे दी डेट ऑफ 1 डे वुड बी डिफरेंट, डेट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ नॉमिनेशन वुड बी डिफरेंट, बट डेट ऑफ गजट नोटिफिकेशन और डेट ऑफ पोल वुड बी कॉमन। फेज 1 में 21 राज्य पोलिंग में जाएंगे और फेज 2 में उसमें से और राज्य जुड़ जाएंगे। सो दिस इज द मैप विच वुड बी फेज 2, जिसमें हम नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी जगह चुनाव को कंप्लीट करते हुए, तमिलनाडु में कंप्लीट करते हुए, सेकेंड फेज में राजस्थान को भी कंप्लीट करेंगे। फेज 3 वुड बी फ्रॉम 12th of April एंड डेट ऑफ पोल विल बी 7th of May। इसमें भी टोटल 12 स्टेट्स उस समय में जा रही होंगी और इस फेज में 3 नए राज्य में चुनाव शुरू होगा। इसका मैप कुछ इस तरह से दिखाई देगा। राजस्थान हम कवर कर चुके होंगे, तमिलनाडु कवर कर चुके होंगे, केरला कवर कर चुके होंगे, गुजरात इसमें कवर कर लेंगे, नॉर्थ ईस्ट पूरा कवर कर चुके होंगे और हम नए राज्यों को मिला के 3 इसमें नए राज्य भी जुड़ेंगे। फोर्थ फेज में 18 अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन होगा और डेट ऑफ पोलिंग वुड बी 13th of May। डेट ऑफ काउंटिंग इन द एंटायर कंट्री वुड बी 4th of June फॉर ऑल बाई इलेक्शंस, फॉर द असेंबली इलेक्शंस, फॉर द पार्लियामेंट्री इलेक्शंस। इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा।
इस समय तक हम इसमें तेलंगाना, आंध्रा, उड़ीसा वुड स्टार्ट एंड बाय दैट टाइम अदर देन दैट एंटायर साउथ इंडिया वुड बी कंप्लीट, एंटायर वेस्टर्न इंडिया वुड बी कंप्लीट, नॉर्थ ईस्ट वुड बी कंप्लीट। और फिफ्थ फेज 26 अप्रैल से शुरू होगी और 20 मई तक चलेगी। 20 मई तक डेट ऑफ पोल होगी, बीच में नॉमिनेशन स्क्रूटनी और विड्रॉल की डेट्स रहेंगी। काउंटिंग ऑफ कोर्स इज 4th ऑफ जून। इट विल लुक लाइक दिस विच इज इन फ्रंट ऑफ यू। एंड फेज 5 में 49 कॉन्स्टिट्यूएंसीज विल बी गोइंग टू द पोल। फेज 6 में 57 कॉन्स्टिट्यूएंसीज विल गो टू द पोल स्टार्टिंग फ्रॉम द गजट नोटिफिकेशन ऑन 29th ऑफ अप्रैल एंड फिनिशिंग ऑन 25th ऑफ मे 2024। इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा कि मोस्टली यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और साथ में कुछ नॉर्थ का पोर्शन चालू रहेगा। लास्ट फेज 7th फेज नोटिफिकेशन विल बी ऑन 7th ऑफ मे एंड पोलिंग ऑन 1st ऑफ जून। तो लास्ट पोलिंग वुड बी ऑन 1st ऑफ जून एंड काउंटिंग ऑन 4th। एंड इस फेज में पूरा पंजाब, हरियाणा भी शामिल रहेगा। जी हाँ, दस दिए कि इस बार दिया चोणा विच जेकर पंजाब दी गल कीती जावे तां पंजाब विच अकाली दल, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी अते भाजपा विच सीधी टक्कर होवेगी। आम आदमी पार्टी इस बार चोणा विच 13-0 दा दावा ठोक रही है, जबकि दूजियां धिरां वल्लों भी अड्डी चोटी दा जोर लगाया जा रहा है। जेकर पिछलियां लोकसभा चोणां दी गल कीती जावे तां 2019 दीआं चोणां च भाजपा नूं देश भर विच 303 सीटां मिलियां सी, जबकि कांग्रेस नूं देश भर विचों 52 सीटां ही प्राप्त हो सकियां सी। पर हुण सब नूं इंतजार चोणां दे दिन दा है जदों उह अपने पसंदीदा उम्मीदवार नूं वोट पाउणगे। जी हां, इक वार फिर तों दस दईए कि चोण कमीशन वल्लों ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 7 ਫੇਜ਼ 'ਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੋਂ 1 ਜੂਨ 2024 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 7 ਗੇੜਾਂ 'ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 1 ਜੂਨ 2024 ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਸੈਂਟਰਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ।